रुह तमें गोला उठी के इटा पके हुआ माने हाँ बंधा को धरे लावले बेसन दरकार ना तो इटा पका हुआ ना यदि पानी बाहरी होकर लाउट के बेसन दिया होगा पड़ी हो ना गरम तेल दिया देवा पहन गरम तेल कैसे बड़ा कोई ची लास्ट गरम तेल ठीक है ही सेला पौर गरम ही सेला पौर ये कौन ये ठीक बेसन ही जीवो नहीं दिया आओ सब लोग चावल गुंडा पड़ी हो ଘାଣ୍ଟି कैबेज का पकोड़ा लाखुनी तो आज लाखुनी तो ना हाथ रे नहीं से ये रे लाखुनी था ठीक अच्छे आउ टिके फोन दबा को पड़ी हो बोलते यहाँ पर देखिए चोली के पास दो बिल्ली सोए हैं यहाँ पर आग लगा देंगे दोनों के दोनों जल जाएंगे इनको यहाँ से गर्मी लग रहा है इसी वजह से यहाँ पर है रसोई घर में और यहाँ पर देखिए दांत कैसे दिखा रही है और ये हो चुका है हमारा कैबेज पकौड़ा का पूरा स्टफ तो अभी शुरू हो चुका है को कैबेज का पकोड़ा नहीं मैं खाई नहीं ये पहला गया है खाई नहीं देखते हैं कैसा आएगा पकोड़ा करूँ जी कोबी पकोड़ा बेसी बड़ो ना चिपा चिपा गोल गोल नहीं छोटो छोटो करो बड़ो बड़ो करो बुझु लोक चेपा चेपा करू ना चेपा चेपा गले पसिब ना खाई यहाँ पर आ चुके हैं हमारा इनका धर्मपति तो अभी चल रहा है हमारा फर्स्ट पेज देखते हैं कैसे आता है इस साल में भाउजी को सिखा कर जा रहा हूँ तीन चार आइटम है चार आइटम है तो ये हमारा पहला हो रहा है तो देखते हैं अगले टाइम हम जब आए हमारे लिए आलू भजन करके कुछ ऐसा टाइप का आइटम करें हाँ साथ में बनाएंगे भीमा यहाँ पर हो रहा है पिज वाला देखा किंतु जिनस अलग प्रकार अधिक हिट है ना काठ काटिद बस बेस हिट कर पोड़ी जीव बेस हिट कर अरे बापा से पोड़ गला पोड़नी पोड़ ना पहला फेज है तेरा पसंद है और थोड़ा है नहीं होने का है तू तो खाली गुजर पड़ी जाओ पकौड़ी नहीं पकौड़ा बन रहा है पकौड़ा इसमें वो कल खाली से जब वाह ठीक है गोल्डन है ये वाला
यहाँ पर सेकंड फेज हुआ। यहाँ पर देखिए गणेश का पकौड़ा, मत करूछु ना से कढ़े को करूछु। ओ यहां पर चल रही थर्ड फेस तो चलने दो। यहां पर भाभी डाल रही है, थोड़ा छोटा छोटा डालिए भाभी जान। हां क्या सुबह करेंगे बना बना। हां तो गाइस अभी हो चुका है कैबेज पकोड़ा। तो ये देखिए भाभी जी ने अपने हाथों से किया है, डाला है। यहाँ पर ये बैठकर कर रही थी मम्मी, यहाँ पर भाभी जान सिर्फ ऐसे थपा थपा मार कर दे रहे हैं। ये साले दो बिल्ली गर्मी खाने के लिए बैठे हैं, हराम का खाना खाना है इनको। हाँ तो ये हो चुका है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो कैसा है भाभी जान, थोड़ा बताइए कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। किसको आप, किसको आप थोड़ा धन्यवाद देना चाहती हो? मनोज चंपिया। ओ थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम। और तुम लोग कुछ बोलना चाहते हो? म्याऊ। साले दोनों को नींद आ रहा है, जाओ सो जाओ। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो चुका है, तो देख पा रहे होगे कितना अच्छा लग रहा है। और हम ये सॉस भी लाए हैं। तो आज पूरा सब कुछ, ये चावल का पाउडर है, सब कुछ बनाकर आज खाएंगे। तो अभी तो सब खत्म हो चुका है, अभी लोगों को सर्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी सब रख रहे हैं, थोड़ा बाद में गर्मा गर्म सब है। तो देखते हैं कैसे किसको लगते हैं, तो देखते हैं अगर इस वीडियो को अभी एंड हो जाएगा या फिर बाद में। अभी तो रिएक्शन आ गया है, तो आई होप गाइस आपको अच्छा लग रहा होगा, पता नहीं। अभी देखिए बिल्ली लोगों को दिया जा रहा है, साले सूंघ रहे हैं, खाते नहीं, सूंघ रहे हैं, क्या है कैसा है खाए नहीं। तो यहाँ पर डाला जा रहा है। ओह माय गॉड, पहली बार गांव में भाभी ने बनाया कैबेज का पकौड़ा, पर इसका मैंने उनको बताया, ठीक है गाइस। अरे सेंजी सब ऊपर घोड़ी नहीं जाएंगे, तो तक ऊपर रखने लगे। हाँ अभी का वीडियो आज एंड करते हैं, ये मेरा नया साल का लंबा वाला वीडियो है। बाय बाय गाइस, टाटा, सी यू। तो गाइस बहुत बढ़िया है, सीरियसली गाइस। वाव इतना इजी है गाइस, मतलब सीरियसली। अभी थोड़ा ठंड कम गया है, कम हो मतलब गर्म ज़्यादा में है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मा गर्म खाने से बहुत अच्छा लगेगा, सॉस के साथ। बाय बाय गाइस, टाटा, सी यू। तो गांव का, इस गांव में पहली बार मैं न्यू ईयर रह रहा हूँ, तो आज दूसरा दिन है। तो ऐसे कैबेज का पकौड़ा बनाने का मन किया, तो भाभी को सिखाया और वो बनाई, ठीक है गाइस। बाय बाय, सी यू।